स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ शॉर्ट रीकैप. लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर, वी हैव स्टार्टेड विद टॉपिक दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, राइट? हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट में हम लोग ने सबने पढ़ा था, सब डिटेल में, सबको मालूम है. इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, राइट? स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था. हिस्ट्री में स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था, हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या तो कोई पर्सन के बारे में, या तो कोई हम लोग सबको मालूम है थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट, मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर, लेट्स सी कितना जन आंसर दे सकते हैं. सब लोग मेरे को जरा बताओ ना, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री, कोई बता सकते आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बात है. अच्छा, हेरोडोटस के एक फेमस बुक था, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम द हिस्टोरीज, क्या बात है. द हिस्टोरीज के साथ साथ, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, अगर याद रहेगा आप लोग को, तो मैंने तुम लोग को ये चीज बताया था, दो टाइप का रिसर्च होता है, वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च एंड सेकंड वन इज साइंटिफिक रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च कहाँ पे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, कहाँ पे होता है, कोई बता सकता है? हिस्टोरिकल रिसर्च लैब्स में होता है. हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए देर आर नो सच लैब्स, ये साइंटिफिक रिसर्च लैब्स में होता है, मानते हो ना? अच्छा, लैब्स में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी एंड अप फॉर्मुलेटिंग व्हाट. लैब्स में क्या मिलता है हम लोग को? लॉज मिलते हैं, क्या बात है. ये लॉज को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, यस ऑर नो? यस, ऑफ कोर्स, बराबर. अच्छा, हिस्ट्री के लिए कोई ऐसा कोई लैब्स वगैरह है स्टूडेंट्स? नहीं, ये हमने पढ़ा था, नहीं है, मानते हो बात. सो दो टाइप का रिसर्च में, माने साइंटिफिक और दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च. एट द सेम टाइम मैंने आप लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, ये सब खत्म होने के बाद हमने एक और चीज के बारे में डिटेल में पढ़ा था, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट? स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग हिस्टोरियोग्राफी में दो टाइप पढ़ेंगे, वन इज अबाउट ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज अबाउट मॉडर्न. वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनते जाना. कुछ टर्म्स है जो डिफिकल्ट है, बट आराम से जाएंगे, टेंशन लो मत, ज्यादा घाई नहीं करेंगे, ज्यादा फटाफट भी नहीं, आराम से जो जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाना. लेकिन आज एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से, एक क्वेश्चन आंसर बाय हट कराऊंगा, 101% ये टाइम वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिख के रखो, ये आंसर आएगा, मतलब आएगा. तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाना, और ध्यान से जो जो वर्ड याद रखने बोल रहा हूँ वो सिर्फ वर्ड याद रख, ठीक है? तो मैंने तुम लोग को अलग अलग टाइप का स्टडीज बताया था, राइट? आज हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, सर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने से पहला, हिस्ट्री मतलब मैंने बताया था, हिस्ट्री इज नथिंग बट इवेंट रिलेटेड टू पास्ट. जो भी पहले हुआ है वो चीज को हम बोलते हैं हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास, मानते हो? The question arises, sir, what do you mean by the term called historiography? Historiography is nothing but writings of critical historical narrative. मतलब जो भी history का detail में हम जो presentation करते हैं वो चीज को हम लोग simple term में बोलते हैं historiography. So what is historiography? Simple, ध्यान से सुनो, historiography is nothing but writing of critical historical narrative. अब ये historiography में दो type का historiography है, ध्यान से सुनो. वन इज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, जो अभी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. वन इज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. एंड सेकेंड वन हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. सो याद रखना, वापस एक बार बोल रहा हूँ, हिस्टोरियोग्राफी मतलब डिटेल में जो हम हिस्ट्री का नरेटिव लिखते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ, वो चीज को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी. देर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न. अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आते हैं याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा ब्रीफ आंसर. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी ऑल अबाउट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. स्टार्ट करें, ध्यान से सुनो प्लीज. ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी है ना, मतलब पुराना हिस्टोरियोग्राफी, विच इज बेस्ड ऑन फोर थिंग्स, दैट इज केव पेंटिंग, सेकेंड वन इज स्टोरी टेलिंग, थर्ड वन इज याद रखना सिंगिंग सॉन्ग्स, एंड फोर्थ वन इज याद रखना बैलेट्स. मतलब ये सब चीज जो भी मैं बताया, ये सारे चीज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, इफ यू आर विजिटिंग टू अजंता एंड एलोरा केव्स, वहां पे अगर आप लोग ने देखा रहेगा बहुत सारा अलग अलग केव पेंटिंग्स है, बहुत सारा अलग अलग केव पेंटिंग्स में अलग 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 डिजाइन बनाए, उसके ऊपर जो हिस्ट्री हम नरेट करते हैं ना, वो चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. वेयर स्टोरी टेलिंग, हमको अलग अलग स्टोरी बताया गया था, महाभारत, रामायण, ये चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी. Ballads is nothing but story in the form of poem.
जो हमको बताया गया वो चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी। सो व्हाट इज बेसिकली ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी, चार ही चीज याद रखना, केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलेट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोला मैंने, केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग्स, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड क्या बोला मैंने तुम लोग को, बैलेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर ये तो हमको समझा, बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का एक डिटेल आंसर है जो हम लोग को आज पढ़ना है। लेकिन सबसे पहला याद रखना, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज राइटिंग्स ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। सो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में चार चीज हमने पढ़ा, वन इज केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड लास्ट वन इज क्या बताया मैंने तुम लोग को, बैलेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जरा बताओ ना, ध्यान से सुनो प्लीज। ये आंसर है 101% बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर ऐसे ही पढ़ने जाओगे ना तो नहीं समझेगा। ध्यान से सुनो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बुक में आधा अधूरा दिया है बट हम डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक बात जान लो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है ना, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, सर साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या, साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब याद रखना ये वो हिस्टोरियोग्राफी है जिसका हर चीज का हमको एविडेंस मिलेगा। वापस में जा रहा हूं, ये वो हिस्टोरियोग्राफी है जिसका हर चीज का हमको क्या मिलेगा मालूम है, एविडेंस। मतलब याद रखना मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब जो भी इसमें हिस्ट्री बताया गया वो हर चीज का हमारे पास क्या मालूम है, प्रूफ। सो इसीलिए मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऑलवेज स्टार्ट्स विद रेलिवेंट क्वेश्चन। जब भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का कुछ भी कंसेप्ट बताया जाता ना तो इंसान के दिमाग में 100 सवाल है, ये 100 सवाल का हर एक सवाल का जवाब हमारे पास है। सो इसीलिए हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ विच रेलिवेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं मालूम स्टूडेंट्स, याद रखना एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस। ध्यान दो, तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन है विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। मतलब पुराने जमाने में इंसान ने क्या क्या किया था उनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस, ध्यान से सुनो मैं सर्कल कर रहा हूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू व्हिच डीड्स, मैंने बोला ह्यूमन डीड्स। ह्यूमन डीड्स यानी कि वो डीड्स जो इंसान का कारनामा, इंसान ने पहले क्या किया था क्या नहीं किया था। हाँ इतना ही नहीं, हमको कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि इंसान और भगवान ये कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से जुड़ा है, बट हिस्ट्री क्या बोलता है मालूम है, हिस्ट्री बोलता है कि इंसान और भगवान दैट इज डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। ऐसा कौन बोलता है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मतलब याद रखना इट बिगिंस विद विच क्वेश्चंस, रेलिवेंट क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, याद रखना एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या नाम देते हैं हम लोग, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक आर दोस क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू विच डीड्स, मैंने बोला तुम लोग को याद रहेगा तो ह्यूमन डीड्स। विच डीड्स मैंने बताया, ह्यूमन डीड्स। So, याद रखना हिस्ट्री हमको ये भी बताते हैं कि इंसान और भगवान ये दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इंसान और भगवान यानी कि ह्यूमंस एंड डिवाइन के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है, बट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का हर 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 क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनना रिलायबल एविडेंस से सपोर्ट करता है। सो याद रखना मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एक वो हिस्टोरियोग्राफी है जो तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए वो हर क्वेश्चन का विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रूफ के साथ तुमको सपोर्ट करेगा विद रिलायबल एविडेंसेस के साथ। सो इसीलिए हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, याद रखना हिस्ट्री दैट प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो इंसान ने पहले जमाने में या पहले क्या क्या किया है वो सब चीज का जर्नी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जैसे कि महात्मा गांधी जी का एग्जांपल, आज महात्मा गांधी जी ने जो जो चीज किया है वो हर चीज का हमारे पास एविडेंस है। शिवाजी महाराज ने आज जो जो चीज किया है वो हर चीज का हमारे पास एविडेंस है। वेरेस गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर ने जो जो किया है वो हर एक चीज का हमारे पास एविडेंस नहीं है। सो व्हाट इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सबसे पहला याद रखना इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, याद रखो स्टूडेंट्स इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय, दिस क्वेश्चंस आर नोन एज एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू विच डीड्स, मैंने बोला था ह्यूमन डीड्स। इतना ही नहीं, ये लोग ये भी बताते हैं कि इंसान और भगवान ये दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं है।
बट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी यानी कि वो हिस्टोरियोग्राफी जहां पे हर क्वेश्चन का तुमको सपोर्ट करने के लिए क्या स्टूडेंट्स मैंने बताया था, रिलायबल एविडेंस. क्या बताया मैंने तुमको, रिलायबल एविडेंस. सो इसीलिए मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी. याद रखना, इंसान का पूरा जर्नी जो हमको बताता है वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. याद रहेगा स्टूडेंट्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स. चलो मेरे को फटाफट चैट में आंसर दो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, जल्दी बताओ. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल. ब्यूटिफुल. याद रखना, इट स्टार्ट्स विद रेलिवेंट क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस को हम लोग ने एक नाम दिया है. कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा वर्ड एकदम अजीब है, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस. क्या बोलोगे जल्दी 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 बताओ, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस. चलो जरा बताओ ना, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू विच डीड्स. क्या बात है, ह्यूमन डीड्स. ब्यूटीफुल, क्या बात है. अच्छा, इंसान और भगवान का कोई रिलेशन है, यस और नो? इंसान और भगवान का कोई रिलेशन है, यस और नो? नो. तो याद रखना, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हर क्वेश्चन का आंसर सपोर्ट करते हैं विद वॉट, रिलायबल वॉट, रिलायबल एविडेंस. इसीलिए हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट किसका जर्नी, में बोला मैनकाइंड जर्नी. किसका जर्नी मैंने बताया, मैनकाइंड जर्नी. किसका जर्नी बताया स्टूडेंट्स, मैनकाइंड जर्नी. याद रहेगा स्टूडेंट्स. तो ये चार मार्क का आंसर स्टूडेंट्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, 101% ये बार बोर्ड एग्जाम में लिख लो. मैं बोलता हूँ लिख लेना ये आंसर, चार पॉइंट मैं बोलता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन, फटाफट बुक निकालो, आंसर लिखो, ये 101% आएगा. जल्दी 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 स्टार्ट करें हम लोग, पक्का लिखो उधर फटाफट. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हेडिंग डालो प्लीज स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं कैसा याद रखने का, जल्दी फटाफट. 4 marks के लिए आएगा, याद रखना. अच्छा लिखो इसमें, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल्स. इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन इट्स मेथड लिखा. नेक्स्ट, 4 marks 4 point नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी तुम लोग को ब्रीफ आंसर में कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि कितने मार्क्स के लिए कितना पॉइंट लिखना है. पहले होता था 4 point के लिए 4 marks के लिए तुम लोग 8 points लिखना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं. अभी कुछ भी 4 marks के लिए पूछा जाएगा. उसके बाद इट बिगिंस विथ, it begins with formation of relevant questions. same point yes, it begins with formation of relevant questions. Likha. Next, these questions are dash. कौन सा क्वेश्चन है, these questions are dash. क्या बात है, anthropocentric. Beautiful. ये important है, please याद रखना. दीक्षित सर ने बोला ये answer आएगा, मतलब आएगा, लिख कर लेना, मैं बोल रहा हूं. It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human society of a particular period. Dekha.
उसी में पॉइंट कंटिन्यू करो. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट any interrelation between divine and human deeds. Third point, देखा. सो थर्ड पॉइंट लिखो, आंसर टू दीज क्वेश्चंस आंसर टू दिस क्वेश्चन डिवाइन मींस गॉड बेटा, गॉड घाट को पर तने काम नहीं, ठीक है. हाँ, उसमें लिखो, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. ब्रीफ में आएगा ये क्वेश्चन. लिखा एंड लास्ट, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ हूज जर्नी. क्या बोला था मैंने, mankind journey with the help of past human beings, याद रखना. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. दैट इज, सबसे पहला मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बेसिक सिंपल टर्म में अगर बोलूं तो वो हिस्ट्री जिसमें हर चीज का तुमको प्रूफ मिलेगा, एविडेंस मिलेगा. याद रखना, इसीलिए हम इसको मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं. ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है. एंड याद रखना, जो 100% प्रूव एविडेंस वाला रहता है उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल. जैसे याद है हमने साइंटिफिक रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ा था, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स करके हम लॉ फॉर्मुलेट करते हैं, जो लॉज आते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं. वैसे ही मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जो भी चीज है वो 100% सही रहेगा विद प्रूफ, विद एविडेंस. याद रहेगा स्टूडेंट्स. So let's revise एक बार, ध्यान से सुनो फटाफट फटाफट फटाफट. So modern historiography is based on which principle? जल्दी बोलो मेरे को, चलो जल्दी फटाफट लिखो 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 लिखो. Modern historiography is based on which principle? Scientific. Beautiful. It starts with relevant questions. ये questions को हम क्या बोलते हैं students? ये questions को हम क्या बोलते हैं? ये questions को हम कौन सा questions बोलते हैं? जल्दी 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 जल्दी. Anthropocentric questions. क्या बात है? Anthropocentric questions are about the deeds of the member. याद रहेगा, दोनों के बीच में रिलेशन इंटर रिलेशन नहीं है. किन दोनों के बीच में कोई इंटर रिलेशन नहीं? देयर इज नो इंटर रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश. क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. याद रहेगा. अच्छा, ईच एंड एवरी आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय, क्या बताया मैंने तुम लोग को, रिलायबल एविडेंसेस. ब्यूटीफुल. सो इसीलिए हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ, क्या बताया मैंने, मैनकाइंड जर्नी. तो कोई पूछा सिंपल टर्म में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी किसको बोलते हैं? वो हिस्ट्री जिसमें हर चीज का प्रूफ है. So, इसीलिए मैं आज लिखा है, क्यों लिखा है, इसके पीछे आंसर है स्टूडेंट्स. ये आंसर 101% आएगा ये बार एग्जाम में. सो प्लीज स्टूडेंट्स, ये पढ़ना, यहाँ पे बाय हार्ट करना. नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूंगा मेरे को ये आंसर चाहिए. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, ध्यान से सुनो. याद रहेगा. सो कोई पूछा कितने टाइप का हिस्ट्री है, हिस्टोरियोग्राफी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वन इज ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज, क्या बताया मैंने, मॉडर्न. चलो इनको एक शॉर्ट रिकैप, सब लोग आंसर्स देते जाओ फटाफट. अच्छा, हिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ डैश इवेंट्स. क्या बताया था मैंने, जल्दी बोलो. हिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ क्या इवेंट्स बोला था? पास्ट. ब्यूटीफुल. क्या बात है, हिस्ट्री में दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक किसके बारे में पढ़ेंगे, एक 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 एक
दो चीजों के बारे में पढ़े, वन इज अबाउट पर्सन एंड सेकंड वन इज अबाउट क्या बताया था मैंने, थिंग्स, याद रहेगा ना पक्का। अच्छा इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को एक और चीज के बारे में बताया था हिस्ट्री में, याद रहेगा तो अगर मालूम रहेगा तो, हिस्ट्री में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ा था, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री ब्यूटिफुल हेरोडोटस, क्या बात है। उसका एक फेमस बुक है, फेमस बुक का नाम क्या है स्टूडेंट्स, फेमस बुक का नाम क्या बात है, द हिस्टोरिस्ट। दो टाइप का रिसर्च हमको मालूम है, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक, दो टाइप का हिस्टोरियोग्राफी भी हमको मालूम है, वन इज व्हाट, दो टाइप का हिस्टोरियोग्राफी कौन सा स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज, सेकंड वन मॉडर्न ब्यूटिफुल। अच्छा ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, कोई बता सकते एग्जाम्पल्स, बताओ 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 जल्दी, फटाफट आंसर आ रहे, क्या बात है क्या बात है, बैलेट्स केव पेंटिंग, क्या बात है ब्यूटिफुल, कॉइन्स सिंगिंग सॉन्ग, ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, ध्यान से आगे सुनो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, ध्यान से सुनो, देयर इज वन यूनिवर्सिटी जहां पे तुम्हारा प्रॉपर 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 हिस्टोरिकल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनो, पहला हिस्ट्री, पहला यूनिवर्सिटी जहां पे तुम लोग को हिस्टोरिकल लैब्स के बारे में सुनेगा, ये कौन सा यूनिवर्सिटी है मालूम है, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी विच इज इन जर्मनी। स्टूडेंट्स हमने यूनिवर्सिटी में साइंस लैब के बारे में सुना है, मैथ लैब के बारे में सुना है, आज तक हम में से किसी ने हिस्ट्री लैब के बारे में नहीं सुना है। सो पहला यूनिवर्सिटी जहां पे हिस्ट्री लैब के बारे में तुमने सुना रहेगा वो कहां पर है मालूम है, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन, जिसको हम बोलते हैं गॉटिंजन यूनिवर्सिटी विच इज इन जर्मनी। सो दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, हिस्ट्री पढ़ाया कैसा जाता है मालूम है, हिस्ट्री यहाँ पे थियरी सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहां पे बच्चों को रिसर्च करने के लिए लिटरली कोई चीज दिया जाता है एंड उनको बोला जाता है कि इसके ऊपर रिसर्च करके तुमको थीसिस लिखना है। हमारे यहाँ पे कैसा हिस्ट्री में 40 मार्क का पेपर है, फिलिंग द ब्लैंक्स लिख दिया, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, रीड द पैसेज एंड राइट द आंसर्स, ब्रीफ आंसर, शॉर्ट नोट्स, खत्म हमारा हिस्ट्री। बट वहां पे वैसा नहीं है, वहां पे हिस्ट्री को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है एंड ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लिटरली वहां पे बच्चों को कोई ना कोई चीज के बारे में रिसर्च करके उसके ऊपर थीसिस लिखने देते हैं। सो फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी जहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, याद रखना, जहाँ पे हिस्टोरिकल लैब्स बनाए गए, ये कौन सा यूनिवर्सिटी है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी विच इज फाउंडेड इन, क्या बोलेगा मैं, जर्मनी। किधर आया तुम लोगों, जर्मनी। स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 6 नोटेबल स्कॉलर्स, ध्यान से सुनो, ये 6 नोटेबल स्कॉलर्स लोग ने बहुत अच्छा चीज बताया, आज हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आज शायद हम 2 ही नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ पाएंगे, बाकी 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके, सो विल स्टार्ट। तो पहला 3 नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में बताता हूं, सबसे पहला जिसका नाम है याद रखो रेन डेस्कार्ट्स, क्या बोलेंगे, रेन डेस्कार्ट्स, ये जंगली का नाम क्या याद रखेगा हम लोग, रेन डेस्कार्ट्स। दूसरा हीरो का नाम याद रखो जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेयर, क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेयर, ध्यान से सुनो, प्रोनाउंसिएशन जो बोल रहा वैसे ही प्रोनाउंस करो, फर्स्ट वन इज रेन डेस्कार्ट्स, इसको कोई रेने डेस्कार्ट्स नहीं पड़ेगा, इट इज रेन डेस्कार्ट्स, वापस बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, रेन डेस्कार्ट्स। सेकंड वन इज याद रखो वोल्टेयर, सेकंड वन इज याद रखना वोल्टेयर। थर्ड वन याद रखो थुल्ले का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, याद रखना जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, आदमी एक ही है, 10 नहीं है, 4 नहीं है, नाम भले 4-4 दिखता रहेगा, एक ही आदमी का नाम है जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, याद रखोगे। तो ये 3 में से हम लोग सिर्फ पहले 2 पढ़ेंगे, दैट इज रेन डेस्कार्ट्स एंड सेकंड वन इज वोल्टेयर। सो वापस एक बार नाम याद दिला रहा हूं, फर्स्ट वन इज रेन डेस्कार्ट्स, सेकंड वन इज वोल्टेयर, थर्ड वन इज जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल। वापस एक बार क्या बोलोगे, फर्स्ट वन रेन डेस्कार्ट्स, सेकंड वन इज वोल्टेयर एंड थर्ड वन इज जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से सुना, लियोपोल्ड वॉन रैंक, याद रखना नाम, क्या बोलेंगे हम लोग, लियोपोल्ड वॉन रैंक। नेक्स्ट इज याद रखना जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ल मार्क्स, क्या बोलेंगे हम लोग, कार्ल मार्क्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट वन इज कार्ल मार्क्स। एंड लास्ट वन ध्यान से सुनना जिसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना, दैट इज नथिंग बट मिशेल फोकॉल्ट, इसको माइकल फोकॉल्ट नहीं पढ़ेंगे, इट इज मिशेल फोकॉल्ट, लड़का है लड़की नहीं है, मिशेल फोकॉल्ट, याद रहेगा। तो हम लोग ये 6 में से सिर्फ आज 2 ही पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज अबाउट रेन डेस्कार्ट्स एंड सेकंड वन इज अबाउट क्या, वोल्टेयर, याद रहेगा 101%। स्टार्ट करें हम लोग पक्का, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत सिंपल बताए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रेन डेस्कार्ट्स क्या बोलते मालूम है, he insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them। इसका बोलने का मतलब क्या था मालूम है, जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना, पहला देखो कि भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है या नकली डॉक्यूमेंट है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो, ध्यान से देखो, जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तब तक हम वो चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सो इसीलिए ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट कि वेरीफाई
कि रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, ये पहला ढूंढ के निकालो। डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे मिलेंगे, एविडेंसेस तो बहुत सारे मिलेंगे, बट हमको ये चेक करना है कि भाई सच में ये सही है कि गलत है। इसने एक फेमस बुक लिखा था स्टूडेंट्स, ये बुक का नाम याद रखना, ये बुक को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखो, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या बोलेंगे बुक का फेमस नाम है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, याद रखना बुक का नाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इतना ही नहीं, इसने एक फेमस सेइंग बोला है, क्या बोला है मालूम है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज के ऊपर शक है, वो चीज के ऊपर भरोसा मत करो। क्या बोल रहे हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब जब तक हमारे दिमाग में शक है, डाउट है, तब तक हम वो चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये बोलने वाला कौन है मालूम है स्टूडेंट्स, रेन डेस्कार्ट्स। कौन है बोला, रेन डेस्कार्ट्स। वापस मैं बोल रहा हूं, बहुत फेमस पर्सनालिटी, ही इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग, ध्यान से सुनो, ही इंसिस्टेड वेरीफाइंग ध्यान से सुनो, रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। याद रखना उसका एक फेमस बुक है, ये बुक का नाम है याद रखो, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ही वाज ऑफ ओपिनियन दैट नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू। हमेशा याद रखना, जब तक दिमाग में कुछ ना कुछ तो डाउट है, वो चीज के ऊपर हमको भरोसा नहीं करना है। सो फेमस सेइंग है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। ऐसा किसने बोला था, रेन डेस्कार्ट्स। याद रहेगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लीज, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, ध्यान से सुनते जाना वरना कुछ नहीं समझेगा। तो हम लोग आज सिर्फ दो ही थिंकर के बारे में पढ़ने वाले, वन इज रेन डेस्कार्ट्स एंड दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेयर। पहले ये लिख लोगे फटाफट, जल्दी 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी लिख लो फटाफट, मैं बोलता हूं जो लिख लेना फटाफट। रेन डेस्कार्ट्स लिख लिया, रेन डेस्कार्ट्स लिखा, उसमें लिखो, He insisted on verifying reliabilities of historical He insisted on verifying the reliability of historical document, right? Second, उसका बुक का नाम लिखो, उसके बाद लिखो famous book का नाम, Discourse on the Method. Discourse on the method. लिखा, third point. लिखो उसका famous saying, never to accept anything for true till all the grounds are excluded. देखो ये saying exam में कैसा पूछेंगे मालूम है तुम लोग को, complete the flow chart में पूछ सकते हैं, समझ रहे हो, या identify the wrong pair उसमें पूछ सकते हैं। Never to accept anything for true till all the grounds of doubts are excluded. All set. Done. बढ़ते आगे हम लोग, नेक्स्ट आ ध्यान से सुनो अभी प्लीज, बहुत इजी है, यहां तक कुछ डाउट है,
All set. So students, let's proceed further. ध्यान से सुनो अभी next. Students, next जो thinker के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्यान देना, Voltaire. याद रखो ये एक famous है. ध्यान से सुनो. Voltaire का असली नाम क्या है मालूम है students? याद रखो, Francois Marie Arouet. लड़का है लड़की नहीं है, ध्यान से सुनना. He belongs to which country? कोई पूछा, फ्रांस को बिलोंग करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं he was a French. Next, along with his objectives, उसने बहुत सिंपल बात बताया, ध्यान से सुनो. उसने क्या बोला मालूम है? हम आज तक हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी ऑर्डर पढ़ते थे, कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, हर एक का डेट हमको याद है, कौन कब मरा, कौन कब पैदा हुआ, सब कुछ पढ़ते, नो डाउट. Voltaire was of opinion, Voltaire क्या बोलते हैं, भाई ये सब चीज पढ़ो, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम हमको सच में पढ़ना क्या चाहिए मालूम है? वी शुड गो थ्रू सोशल ट्रेडिशन. हमको इकोनॉमी पढ़ना चाहिए, हमको ट्रेड पढ़ना चाहिए, हमको एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए. मतलब पुराने जमाने में लोगों ने ट्रेडिंग कैसा किया उसका जानकारी लो, पुराने जमाने में लोगों ने एग्रीकल्चर कैसा किया उसका जानकारी लो, पुराने जमाने में इकोनॉमी कैसा चलता था उसका जानकारी लो. हम अगर वो चीज का जानकारी हम आज रखेंगे तो याद रखना पुराने जमाने में लोगों ने क्या मिस्टेक्स किया ना स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक हम आज के मॉडर्न लाइफ में रिपीट नहीं करेंगे. सो ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट नो डाउट क्रोनोलॉजी तो पढ़ना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड लर्न अबाउट द सोशल ट्रेडिशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पहले कैसे होता था, वो चीज के बारे में हमको नॉलेज आज होना चाहिए. इसीलिए ध्यान से सुनना, एक फिलिंग द ब्लैंक्स बता रहा हूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. इसीलिए वोल्टेयर वाज टर्म्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. याद रखना स्टूडेंट्स, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री. फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था स्टूडेंट्स? याद रखा, हेरोडोटस. बट फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कौन है? वोल्टेयर. एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा गया तो हेरोडोटस लिखना है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पूछा तो हम क्या लिख के आएंगे? वोल्टेयर. So, याद रखो, हम दो ही चीज पढ़ा है, one is about René Descartes and second is about Voltaire. So, what Voltaire was of opinion, Voltaire क्या बोलता था? No doubt, history में chronology तो पढ़ना ही है, but at the same time, we should learn about the social, tradition, economy, trade and agriculture. मतलब पहले trade कैसा होता था, पहले economy कैसे चलता था, पहले agriculture कैसे होता था, वो सब चीज के बारे में पढ़ो तो ही मतलब है आज हम वो चीज में improvement ला सकते. So, who was termed as father of modern historiography? सबको मालूम है कौन है students? याद रखना, Voltaire. क्या याद रखोगे? Voltaire. So, again students, याद रखना, एक short में recap, मेरे को answers चाहिए सबका, ध्यान से सुनो. सुन जी, remember, हम लोग ने दो चीज के बारे में historiography पढ़ा था. One is traditional, second one, क्या बताया था? जल्दी 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 मेरे को reply दो answers में. One is traditional, second one, क्या बोला था हमने? One is traditional and second one, क्या बताया था? मॉडर्न. मॉडर्न याद रहेगा ना. अच्छा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न. मॉडर्न में हम लोग ने एक और चीज बताया था, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स? बताओ 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 बताओ. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स? साइंटिफिक. ब्यूटिफुल. सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता है. क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है, क्या बात है. धन 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 धन. एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन. एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन आर रिलेटेड टू डैश. Anthropocentric questions are related to beautiful. Dear Nagar, बहुत fast है, क्या बात है. Human deeds, human deeds. अच्छा, दोनों के बीच में कोई interrelation नहीं है. There is no interrelation between dash and dash. क्या बताया था? Interrelation किसके बीच में नहीं है? Divine and human deeds. याद रहेगा ना, पक्का. अच्छा, हर questions को support करने के लिए हमारे पास क्या है? हर question को support करने के लिए we have evidences. याद है ना, हमने बताया था ये. क्या बात है. अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं, कौन सा journey है, मैं बोला था modern historiography is a journey of dash. क्या बताया था? मैनकाइंड. याद है ना. अच्छा स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को तीन छह स्कॉलर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें दो ही पढ़ने वाले, René Descartes एंड Voltaire. René Descartes का एक फेमस बुक है, कौन सा बुक है? बाल भारती, कुमार भारती, नहीं, कौन सा बुक है? डिस्कोर्स ऑन द मेथड. क्या बात है. अच्छा, Voltaire बिलोंग्स टू विच कंट्री स्टूडेंट्स? Voltaire बिलोंग्स टू विच कंट्री? फ्रांस. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, Voltaire belongs to which country? मैंने बोला था फ्रांस. याद है ना स्टूडेंट्स. अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने तुमको एक और चीज के बारे में बताया था, who was termed as father of modern historiography? तो बोल सकते हैं, who was termed as father of modern historiography? बताओ 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 बताओ. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी बोला है. who was termed as father of history बोला तो हेरोडोटस. तने कामले, गलत मत लिख. who was termed as father of modern historiography मतलब Voltaire. यहां तक कुछ डाउट्स? पक्का सबका डाउट क्लियर है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ के आना, ऐसी मत आना उठ के. क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आना चाहिए, ठीक है. याद से, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, आराम से चाहेंगे, डोंट वरी. होमवर्क कुछ नहीं, होमवर्क थर्ड लेक्चर के बाद दूंगा. ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.